अगर हम बात करें फ्री टाइम की, तो फ्री टाइम में एक इंडियन को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है चाय। चाय पीना, चाय पे चर्चा करना, बैठकर पूरा दिन अपनी दिन भर की जो थकान है वो चाय पीकर मिटाना। आज चाय की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को लेकर आई हूँ मैं टी बिस्त्रो में। अब इसका नाम टी बिस्त्रो है, सबसे पहले तो टी ई ए नहीं लिखा है इन्होंने, टी बिस्त्रो लिखा हुआ है। अब टी बिस्त्रो है तो इसका मतलब यहाँ पर चाय तो ज़रूर मिलती होगी। तो इस तरीके का एंट्रेंस है इस टी बिस्त्रो का, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ 150 तरीके की चाय मिलती है। आपने सही सुना है, 150 फ्लेवर्स। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात पता है क्या है कि जो एक तो पहले सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डेकोर की, तो एंट्रेंस में होते ही यहाँ पर वुडन स्टेयर्स है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, नियर टू नेचर लगता है। यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं आउल है, बुद्धा है यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लोग अपना टाइम यहाँ पर बिताने के लिए आते हैं, जो फ्री टाइम में होते हैं या फिर कोई मीटिंग अटेंड करनी होती है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। और उसके ऊपर से जैसे मैंने आपसे भी कहा कि चाय के साथ अगर बात हो तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं कहाँ पर थी, हाँ मैं बता रही थी कि यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ की चाय। और चाय क्यों, क्योंकि यहाँ पर 150 तरीके की चाय मिलती है, मतलब 150 फ्लेवर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि 150 तरीके के जो फ्लेवर्स हैं उन फ्लेवर्स में ये लोग एडेड नहीं करते हैं, क्या मसाले बनाए जाते हैं अंदर का। पहले डेकोर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो डेकोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सूदिंग है, एक हल्का सा गाना बज रहा है, म्यूज़िक है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खाने को इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर बात करेंगे, जो यहाँ पर अंदर जो इन्होंने पूरा जो डेकोरेशन कर रखा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ना ही ज़्यादा कोई ऐसा पॉप एंड शो है, ना ही कुछ ऐसा हाई फाई है, बट बहुत ज़्यादा एक एलिगेंट जिसको बोलते हैं टच दिया हुआ है। कि ऊपर लैम्प टाइप के आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हैंगिंग में है, जो अगेन बहुत अच्छा है। अंदर से सिर्फ बल्ब है पर बाहर से उसे कैसे डेकोरेट कर रखा है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। पोस्टर्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं, पिक्चर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर सामने ये टेबल तो है, इसके साथ में ये जो चीज़ है यहाँ पे बेड जैसा कुछ इन्हें बैठने का इंतज़ाम कर रखा है, जहाँ पे एकदम फ्री होकर के बैठ सकते हैं, कुशन्स दे रखे हैं और पूरा एक गद्दा टाइप का बिछा रखा है टाइल्स के ऊपर, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है बैठने के लिए, कम्फर्टेबल है। आगे बात करेंगे। और यहाँ पर ये पूरा इतना लंबा पूरा ये एरिया है जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, बैठे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे जो है ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो जितना भी इनका स्टाफ है वो यहीं से खाना प्रिपेयर करता है, यहीं से ऑर्डर्स दिए जाते हैं। बात करेंगे हम यहीं के एक मेम्बर से, जिनसे जानेंगे कि टी बिस्त्रो पहली बात तो कितना पुराना है और क्या स्पेशल जो चाय है उसमें से कौन सी यहाँ की स्पेशल है। हाँ जी, पहले आपका नाम। मेरा नाम राजेश कुमार है। कितने टाइम से यहाँ से जुड़े हैं? मैं 2016 से जुड़ा हूँ, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो आज हमें 6 साल पूरे हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर टी बिस्त्रो है, 150 तरीके की चाय मिलती है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैम यहाँ पे हर प्रकार की चाय मिलती है, जैसे हर्ब्स, ऑर्गेनिक, रिलैक्सिंग टी, ग्रीन टी वगैरह। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं चाय पीने तो वो लोग फ्लेवर्स ऐड करते हैं, और यहाँ का मैंने जो सुना है वो है कि मसाले जो है वो यहीं पे बनाए जाते हैं, तो आप मुझे दिखाएंगे कहाँ पे मसाले बनते हैं? चलिए उनके साथ देखते हैं कि जो मसाले बनाए जाते हैं 150 तरीके के, 1, 2, 3, 4 भी नहीं, 15-20 भी नहीं, सीधे 150 तरीके के मसाले हैं। इनके किचन में हम आ गए हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ देखिए, यहाँ पे किचन में काम चल रहा है, मुझे दिखाएंगे भी मसाले जो इन्होंने बनाए हैं होम मेड। मसाले जो हमारे इलायची, मोटी इलायची, ये ब्लैक पेपर वगैरह, ये जो है हमारा विश्व हर्बल मसाला बनता है। अच्छा, सारा सारा का सारा फ्रेश सब कुछ बनता है? सब फ्रेश बनता है। अच्छा, तो आप मुझे दिखाएंगे कुछ तरीके के मसाले जो यहीं पे बनाए जाते हैं? ओके मैम, आपको हमारा मसाला है। हाँ। विश्व हर्बल मसाला है। क्या है ये? विश्व हर्बल मसाला। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये मैम, जैसे अगर आप चाय में डालते हैं, हाँ। तो जो चाय है उसका तो टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ। फिर जो
अंदर कुछ है तो सही हो जाता है। अच्छा, अंदर जो है सही हो जाता है। अच्छा, मतलब हब से बनी है पूरी की पूरी। अच्छा, तो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है ये चाय। अच्छा, इस तरीके के आपके 150 मसाले हैं। अच्छा, 100 ये जो मसाला आप देख रहे हैं सेम यही इसी तरीके का 150 इनके पास फ्लेवर्स है मसालों में जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इसका नाम क्या बोला आपने? बिस्ट्रो हर्बल मसाला। बिस्ट्रो हर्बल मसाला, अच्छा ये, अच्छा यही का स्पेशलिटी बिस्ट्रो हर्बल मसाला। यहीं पे बनते हैं सारे? यहीं पे बनता है? कहाँ पे बनता है? ग्राइंड करते हैं, कहाँ करते हैं? इसी चीज पे ग्राइंड करते हैं। अच्छा, ये जो ग्राइंड है यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके बराबर क्वांटिटी में लेके मोटी इलायची सिनेमन ब्लैक पेपर। अच्छा, और यहाँ पर आइए मेरे साथ, यहाँ देखिए, इधर आइए, यहाँ देखिए कितना, मतलब इन्होंने यहाँ पे एक डब्बों में लिखा हुआ है असम टी, जैस्मिन टी, तुलसी टी। तो ये हर और आप देख सकते हैं कि वो जो चाय की पत्ती है वो कोई मसाला नहीं है, वो आप देख सकते हैं सबके सब हर्ब है जिन्हें ये लोग पीसते हैं। जैसे इनको ऑर्डर मिलता है उससे पहले पीसते हैं, एकदम फ्रेश बनता है यहीं पर ही। तो सबसे अच्छी चीज़ मैंने जो खुद ही देख ली वो ये है कि कोई फ्लेवर यहाँ पर नहीं है, पूरे हर्ब्स बकायदा रखे हुए जिन्हें पीसा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं लेवेंडर टी है, और आपकी ग्रीन टी है, हॉर्नबिल टी है, क्या है ये, हॉर्नबिल ग्रैंडियर टी। अच्छा, और हिबिस्कस की चाय भी मिलती है, हैप्पीनेस। अच्छा, ये हैप्पीनेस चाय की, हैप्पीनेस बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसका क्या मतलब? मैम ये हमारा इन्फ्यूजन है। अच्छा, इन्फ्यूजन हैप्पीनेस है, इनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैम। अच्छा, हैप्पीनेस जैसे ड्राइड वाइल्ड एप्पल्स, हिबिस्कस, रोज हिप्स, रेजेंस, सिनेमन, क्लॉव्स, इंडियन रोजेस। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखिए इस मेन्यू में नजर डालिए आप सबके सब, ये जो हैप्पीनेस जो एक चाय पत्ती है, यानी जो एक चाय मिल रही है उसमें इतनी सारी चीजें, ड्राइड वाइल्ड एप्पल्स, हिबिस्कस, रोज हिप्स, रेजिन, सिनेमन, क्लोव्स, इंडियन रोजेस, सिट्रस पीले, ओ माय गॉड, एक चाय पत्ती में, एक चाय मसाले में इतनी सारी चीजें यहाँ पर मिली है। और उस हिसाब से जो इसका जो रेट है वो काफी ज्यादा रीजनेबल लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं मिली है, हैप्पीनेस नाम ही हैप्पीनेस दे रखा है, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रही थी आपसे कि 6 साल हो गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो कौन सी चाय है? सॉरी मैम, जो लोगों की फेवरेट, जो लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं? आमतौर पर मैम सारी चाय हमारी सारी फेवरेट ही है, पर जो रेगुलर हमारी चलती है तो बिस्ट्रो हर्बल मसाला जो चाय है दूध वाली वो ज्यादा चलती है, ज्यादा वाली चाहिए, बाकी सब ब्लैक टी है, सारी ब्लैक टी है, बाकी सब ब्लैक टी। ठीक है, तो बिस्ट्रो स्पेशल हर्बल मसाला चाय तो ये सबसे स्पेशल है, तो ये स्पेशल चाय हम भी पियेंगे। ठीक है, तो स्पेशल चाय हमारे लिए भी लगाएं। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे डेकोर है, खाली बाहर आइए, यहाँ का जो बाहर का पूरा डेकोर है वो काफी ज्यादा अलग है बाकी कैफेज या रेस्टोरेंट के मुकाबले। तो क्योंकि आप स्टार्टिंग से है तो लोग जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जितना मैंने सुना है तो लोग डेकोर की वजह से भी आते हैं, काफ़ी सूदिंग इफेक्ट उन लोगों को लगता है, उसके ऊपर से चाय और इंडियन का तो मिक्सचर ही, कॉम्बिनेशन ही मुझे सबसे अच्छा रहा है। तो डेकोर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने सोचा, क्या कुछ करा? मैम डेकोर के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बट जो भी है ये सारे हमारे ऑनर्स ने डेकोर किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे लोग आते हैं। तो ऊपर जो है, एक बार ऊपर की तरफ देखिएगा, रूफ की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखिए जो कि है, अलग अलग मैगजीन्स है, ये हिंदी मैगजीन है, अलग अलग मैगजीन्स है, उनके नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके फ्रंट पेजेस है जो कि दोबारा से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई बोर भी हो रहा है तो ऊपर देख करके मैगजीन के नाम ही पढ़ सकता है, जस्ट जोकिंग बाय द वे। तो मैगजीन्स के नाम है काफ़ी सारे, मतलब डेकोर मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है। ये भी हम भी बैठते हैं और देखते हैं कि इनकी जो स्पेशल टी है बिस्त्रो टी, हम भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है इनकी बिस्त्रो टी। ये है इनकी बिस्त्रो स्पेशल हर्बल टी, तो स्पेशलिटी है ये बिस्त्रो की, तो ये चाय है, बाकी चाहिए सबके सब जो है आपकी क्या बोलते हैं ब्लैक टी है, तो ये ऑथेंटिक दूध वाली चाय है वो इनकी ये वाली है जो कि बिस्त्रो हर्बल स्पेशल टी है। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और सूंघते नहीं है वैसे खाने को, पर लेकिन इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं आपको बता रही हूँ खुशबू काफ़ी अच्छी है इस चाय की, हर्बल टी है ये, तो टेस्ट करेंगे।
ठीक है ना, इसमें शुगर ऐड नहीं है, बट विदाउट शुगर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाय है ये, मतलब इसमें टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। शुगर ऐड करके भी देखते हैं, विदाउट शुगर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, यू शुड ट्राई दिस। और ये क्योंकि चीनी है तो एवरी वन विल लाइक दिस, तो शुगर ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी देखते हैं कि क्या है टेस्ट। पर विदाउट शुगर बहुत ज़्यादा यमी है टी, नो डाउट। इनकी जो चाय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट इन दैट। टी बिस्ट्रो की स्पेशलिटी है तो ऑब्वियस ही बातें अच्छी होगी। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। बाकी जो चाय है वो 100 रुपये की भी है, 150 की भी है, पर जो ये वाली चाय है 70 रुपीज़, तो 70 रुपये में मुझे नहीं लगता है कि कोई घाटा है इसे लेने में। बढ़िया है टी बिस्ट्रो की चाय है। अच्छा, दूसरा मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई है, बात करते करते चाय पीते पीते बताती हूँ आप लोगों को कि इसके पीछे आप देख सकते हैं, इसके एकदम पीछे क्रॉस रोड मॉल भी है। तो जो लोग घूम रहे हैं, घूम फिर के थक गए हैं, मॉल से नहीं खाना चाहते रेगुलर, तो यहाँ पर आकर के भी आप आराम से चाय पी सकते हैं, चाय के मज़े ले सकते हैं, तो बढ़िया है ये। इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। और जैसा आपने देखा कि टी बिस्त्रो में, जैसे मैंने आपको बताया, डेकोर काफ़ी अच्छा है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, और जो चाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा उमदा है। तो आप लोग भी आए देहरादून के टी बिस्त्रो में, अगर अपने जो आपके व्यूज़ है, अगर आपने हमारी वीडियो देखकर आप यहाँ पर आएंगे तो हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि उत्तराखंड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।